मोस्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल IES दाउदनगर। गाइज, आज हम लोग जो पार्ट फर्स्ट वीडियो था अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसमें कुछ बातें रह चुकी थी, तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट, नाउ पे अटेंशन हियर। तो स्टूडेंट, हम लोग ने कवर किया था इस पार्ट तक, यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे स्टूडेंट। नाउ मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लूजेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। अब यहाँ पे बताता है कि अगर गोवा में शादी हो, कोई पार्टी हो, और उस फेस्ट में, उस दावत में अगर ब्रेड ना हो तो शादी का कोई मतलब ही नहीं बनता, मैरिज गिफ्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। स्टूडेंट, यहाँ पर इस लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट थे वो केक्स, ब्रेड, और उससे कहीं ज्यादा वहां की जो बेकर थे वो इम्पॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। दैट मीन्स हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जो विलेजर है उनके लिए जो ये क्या है, बेकर है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे स्टूडेंट। क्यों इंपॉर्टेंट ज्यादा होते थे? नाउ लुक एट हियर, कहते द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। क्योंकि जो कभी कभी लड़कियों का जब एंगेजमेंट होता था तो वहां पर जो घरे थी उसमें जो लेडी रहने वाली थी वो क्या करती थी, उसमें केक्स का यूज, जिसे बेकर क्या करते थे, बेचते थे, सेल करते थे, उन केक का यूज सैंडविच बनाने में किया जाता था, और उस एंगेजमेंट पे उसको प्रस्तुत की जाती थी, सैंडविच दी जाती थी स्टूडेंट। तो ये बेकर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। केक्स एंड वोलिनहस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। और जो केक्स थे और वॉलिनस थे, ये भी केक का वैरायटी है, ये क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था स्टूडेंट, किसके लिए, क्रिसमस फेस्टिवल के लिए, और भी अन्य फेस्टिवल के जितने भी वहाँ गोवा में है अन्य फेस्टिवल, उस दिन केक्स या वॉलिनस का यूज़ किए जाते थे। उस दिन लोग उसको इंटरेस्टिंगली क्या करते थे, ईटिंग करते थे स्टूडेंट। सो नाउ दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए स्टूडेंट, जो गोवा है, गोवा की जो विलेज है, वहाँ पर क्या होता था, बेकर्स का फर्नेस, मतलब कि जो बेकिंग करने की जो भट्टी होती थी वो आज भी क्या है, देखने को मिलती है। तो नाउ स्टूडेंट, द बेकर और ब्रेड सेलर, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज had a peculiar dress known as the kabai। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ड्रेस का नाम आ रहा है कि जो बेकर होते थे या ब्रेड सेलर होते थे वो स्पेशल उन दिनों क्या करते थे, ड्रेस पहना करते थे, जिनको बोलते कबाई। ओके, कबाई एक है, एक टाइप ऑफ ड्रेस है जिसको बेकर या ब्रेड सेलर पहना करते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। और ये क्या होता है, एक ड्रेस होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे दिखाया गया कबई, ये क्या होता है, एक ड्रेस होता है जिसको बेकर या फिर ब्रेड सेलर पहनते थे। एक लॉन्ग ड्रेस होता था, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही कपड़ा होता है, जिसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक, नी तक क्या होता था, ये ड्रेस होता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स wearing a shirt and trouser which were shorter than full length one and longer than half pant। बताए कि लेकिन हम लोग के जमाने में जो बेकर्स होते थे वो शर्ट और पैंट में होते थे, शर्ट और ट्राउजर में होते थे, शर्ट और ट्राउजर में होते थे, जो क्या फुल पैंट से थोड़ा कम होता था और हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा होता था। Now student, look at here. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below and knee invites the comment that he is dressed like a padder. और ऐसा लगता है कि आजकल वो ड्रेस अगर कोई पहनता है आज के जमाने में,
से ज्यादा और नीज के पास अगर वो नहीं पहुंचता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि क्या वो पैडर ही है, डेट मीन्स वो केक बेचने वाले ही होते हैं। अगर कोई ऐसा पहन करके दिखता है कि उनका जो ड्रेस है वो नीज के पास नहीं है, नीज से ऊपर है और घुटना से जस्ट नीचे है, तो ऐसा लगता है कि वो क्या है, बेकर ही है। एक्चुअली वो बेकर नहीं, लेकिन बेकर की तरह क्या वो दिखते हैं स्टूडेंट? नहीं, गोवा की बेकर ऐसा ही दिखते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। स्टूडेंट, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बेकर होते थे वो क्या करते थे, मंथ के लास्ट में अपना पैसा कलेक्शन करते थे, बिल कलेक्ट करते थे, क्योंकि वो उधार बेचते थे। उधारी आप लोग समझ में आता है, आज किसी को दिए लेकिन उसको तो पैसा नहीं दिए, किसी और दिन ले लिए, दैट इज व्हाट उधार। तो यहाँ पर जो बेकर होते थे वो मंथ के लास्ट में क्या करते थे, अपना पैसा कलेक्शन करते थे। और ये जो क्या होता था, मंथली अकाउंट होता था स्टूडेंट, वो क्या होता है, दीवार पर पेंसिल से लिखा होता था। जैसे स्टूडेंट आप देखे होंगे घर में, किसी को नहीं पता चलता, दूध खरीदते हैं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं होता तो क्या करता है, कैलेंडर में टिक कर देता है, जितना दिन लाता है उतना टिक टिक करते जाता है, तो स्टूडेंट से पता चलता है कितना दिन मैंने लाया। तो ऐसे स्टूडेंट दीवार पर पेंसिल से क्या होता था, अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता था, क्योंकि बेकर उसको दीवार पर लिखा करते थे, रिकॉर्ड करते थे अपना। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और यहाँ बता रहे हैं स्टूडेंट की जो बेकिंग का प्रोसेस था उस जमाने में क्या था, एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, मतलब उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होता था, इनकम ज्यादा होती थी, प्रॉफिट ज्यादा होते थे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर अस्थार। और ये जो क्या है, बेकर होते हैं या फिर उनकी फैमिली, कभी भूखे नहीं सोने पड़ते थे, वो कभी भूखा नहीं रहते थे, मतलब कि उनकी अच्छा खासा इनकम हुआ करता था। स्टूडेंट नाउ देखते हैं, ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बेकर होते थे वो उनकी फैमिली या फिर उनके सर्वेंट, मतलब कि उनके जो असिस्टेंट होते थे बेकिंग प्रोसेस में, जो मील बच करके हाथ बटाने वाले होते थे, कभी भी वो नाराज नहीं रहते थे, वो हमेशा खुश रहते थे, प्रस्पेरस रहते थे। स्टूडेंट, डियर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। इवन टूडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपियरेंस इज easily compared to a baker. A student, उनका क्या होता था, उनका जो फिजिक था, that means वो खाते पीते घर से लगते थे, ऐसे लगते थे मानो क्या वो जैक फ्रूट हो। जैक फ्रूट स्टूडेंट आपको पता है जैक फ्रूट मीन्स क्या, रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय जैक फ्रूट। तो स्टूडेंट उनका जो जो फिजिकल अपियरेंस होता था वो कैसा दिखता था, एकदम मानो क्या है, जैक फ्रूट हो, उनका एकदम बड़ा सा पेट निकला हुआ, ऐसे लगता है कि पूरे एकदम खा खा करके एकदम वो गणेश जी बन गए हैं। तो जो बेकर होते थे वो एकदम कैसा दिखते थे, जैक फ्रूट की तरह दिखते थे। और आज के जमाने में कोई भी पर्सन जैक फ्रूट की तरह दिखता था तो लगता था वो क्या, मानो क्या है, बेकर है, वो कैसा दिखता है, मानो बेकर। तो आप भी किसी को बेकर मत बोल देना, अगर आपके मोहल्ले में कोई क्या बड़ा पेट वाला नजर आए तो वो बेकर नहीं हो सकता। स्टूडेंट, एक गोवा की बात हो रही है, अगर किसी का एकदम क्या पेट निकला हुआ है, फैटी है, तो ऐसा दिखता था कि वो क्या है, बेकर है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये स्टोरी फिनिश्ड होता है। जो गोवा है, गोवा के बारे में हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिए कि गोवा में क्या था, बेकर बहुत ही फेमस थे, वहाँ पर ये जो ब्रेड है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर फेस्टिवल या चाहे मैरिज हो या किसी भी चीज़ हो, वहाँ पर गोवा की जो ब्रेड है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ तक कि गोवा की जो विलेजेस है वहाँ पर भी ब्रेड क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और स्टूडेंट आप क्वेश्चन आप बना लोगे, और स्टूडेंट आप अगर क्वेश्चन नहीं बनाते तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप सर्च करते हो IES दाऊदनगर के नाम से, तो
वहाँ पर क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जा करके फेयर कॉपी में नोट कर सकते हो स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।